हेलो गाइस, और अब है दोपहर का टाइम। आज मैं व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के रूटीन से स्टार्ट। रूटीन तो कुछ भी मैं शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि अगर रूटीन शुरू करें ना तो व्लॉग, मतलब रूटीन अगर शुरू होगा तो व्लॉग में सिर्फ एक ही चीज आ पाएगी, या तो ब्रेकफास्ट आएगी या लंच आएगी या फिर डिनर। वो चेरी कर दरवाजे को ऐसे ऐसे कर रही है। 24 नवंबर से मुझे बहुत कुछ याद आता है, और आज मेरे भाई का जन्मदिन है, जो हमारे पास फिलहाल है नहीं, कहीं बाहर गया हुआ है। होप सो जल्दी आएगा। और बट यही है कि हम, जब कोई पास नहीं होता तो हमें महसूस होता, अगर कोई किसी को प्यार करता है, रियल प्यार करता है, तो उसको बहुत मिस करते हैं। तो मुझसे छोटा है, तो भाई लव यू, और जहाँ भी है तो खुश रहे, जल्दी से हमारे पास आ जा। तो एक्चुअली छोटा है ना, तो मैं उससे बहुत अटैच हूँ, मैं उससे बहुत याद करती हूँ। मैं उसको बटवाने वाला है जल्दी, तो किस जब कभी आऊँगी। पहले मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, रेसिपी बनाती थी, तो उसको बहुत ही रहता था, अल्लाह मैं तेरी रेसिपी टेस्ट करके दिखाऊँगा कैसी लगी। तो मैं इस, मतलब कि इस व्लॉग के एंड में ना, या फिर स्टार्टिंग में, बहुत सारी पिक्चर उसकी और अपनी शेयर करूँगी। तो भाई लव यू। कभी आएगा तो, मतलब कभी जल्दी ही आएगा तो इस व्लॉग को देखेगा तो कहेगा हाँ मेरे को याद था तेरा बर्थडे, मिस यू सो मच। और बच्चे आने वाले हैं, मैंने आज बस कुछ नहीं बनाया, सुबह नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट बच्चों को दिया था, और अभी जैसे उनके लिए मिक्स खिचड़ी बनाई है, वेजिटेबल खिचड़ी, कॉर्न और शिमला मिर्च और वड़ी डाल के अच्छी सी टेस्टी सी हेल्दी खिचड़ी बनाई, क्योंकि बच्चे आज जिद कर रहे थे शाम को पिज्ज़ा बनाएंगे। और चेरी दरवाजे को कुतर 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 कर रही है, उसको बेचैनी हो रखी है कि ये किससे बात कर रही है, उसको देखना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको चेरी को, और एक मेरे दुखों का सारा ये भी है। तुझसे बातें नहीं कर रही मैं, तुझसे बातें नहीं कर रही मैं, अरे हो हाँ। मेरी खास बात बताऊं क्या है, कि हमारे घर में जितने भी इंसानों के बर्थडे रहना, मुझे सबके याद रहते हैं। इंसान ज्यादा थोड़ी ना होते हैं, बर्थडे याद नहीं रख सकते, मुझे सबके बर्थडे बहुत दिन से याद रहते हैं। अभी गुड्डू को आएगा, गुड्डू मतलब मेरे भाई का बेटा, उसका 1 दिसंबर को है, और आज मेरे भाई का। ये ऊपर चढ़ गई और बज गए हैं 2:45, और ये देखिए थोड़ा सा, और मैं जैसे 2 बजे के, ये 2:45 हो चुके हैं, और बच्चे अभी अभी आ चुके हैं और चेंज कर लिया है ये बच्चे, बच्चू अच्छा, एक सेकंड, तुम लोगों को पता है आज क्या है? हाँ, दीपू का बर्थडे, दीपू का बर्थडे, अच्छा, हैप्पी बर्थडे दीपू, हैप्पी बर्थडे मामा। तो ये भी तेरे को इतना ही मिस करते हैं, क्योंकि दीपक इनसे भी बहुत अटैच है। और पता है मामा के आते ही चेरी भी चली जाएंगे। दीपक जब हमारे साथ रहता था ना, तो कहता था मुझे डॉग चाहिए, डॉग चाहिए, डॉग चाहिए डेली, और अब ये उसके एब्सेंस में आई है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मामा जल्दी आएंगे तो फिर इसके साथ मिलके जाना, फिर आप तो देख ले भाई, दुनिया में कौन तुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, ये लोग तुझे उस चीज की याद दिलाएगा कि हाँ हम तुझे हमेशा याद करते हैं। दिखा देंगे ना, लेके बाद क्या हो गया। और ये मटरू तो बोलती रहती, मामा जी बात कला दो, बात कला दो, पीयूष तो कम बोलता है। नहीं मैं बोलता हूँ, ये पिटपिटा जाता है। और शाची बहुत ज्यादा याद करती है अपने मामा को, सच मुझसे भी ज्यादा शाची याद करती है। मैं नहीं करता झूठे, नहीं शाची ज्यादा करती है, मैं झूठ नहीं बोलती ना, अब लोग आते ये थोड़ी ना झूठ बोलते हैं, शाची सभी को बहुत प्यार करती है। मैं नहीं करता, करता है, तू मेरे को करता है सबसे ज्यादा, वो तो है ही। तो ये सबसे ज्यादा मेरे साथ रहता है, सबसे ज्यादा चेरी से करता हूं। तो फ्रेंड्स पता है, इस व्लॉग के जरिए मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को ना बस ऐसे ही इतना प्यार करना, इतना प्यार करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये बड़े होकर किस लाइन में चले जाएं, हमसे दूर हो जाएं, इसलिए ये हमारे पास टाइम होता है इनको दिल से लगाने का। बड़े होने के बाद अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, और बिल्कुल ना अपने बच्चों को इसी तरह बिल्कुल दिल से लगा के रखना चाहिए, ये हमारे पास इतना कीमती टाइम होता है हमारे बच्चों को देने के लिए। नहीं मैं उसको भी बहुत प्यार करती हूँ, ये हम पहले की प्यार को करती है। अच्छा तो फ्रेंड्स, पहले के जो
फैमिली मेंबर थे वो होते थे, बट मुझे नहीं लगता इतना मतलब बच्चों के पास। यार पीयूष क्यों तंग कर रहा है? तो मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ ब्लॉग के जरिए कि लाइफ का कुछ नहीं पता होता, बच्चों को बिल्कुल इतना दिल से उनकी धड़कने सुन सको, इतना प्यार करना चाहिए। सब टाइम हो चुका है खाना खाने का, तो आज के खाने में खिचड़ी, बढ़िया सा देसी घी डाल के, और यहाँ पे है हमारी दही, नमक और जीरा डाल के, ये है हमारे टमाटर और ये हम प्याज, नींबू और नमक डाल के। तो गाइस ये आज की हमारी थाली, इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। आप लोग मिलेंगे जल्दी ही दोबारा, जब तक के लिए खाना वो साक्षी का और ये मेरी खिचड़ी। तो फ्रेंड्स हम खाते हैं पीते हैं और आपसे फिर मिलते हैं अपने टेस्टी टेस्टी लंच के साथ। देखो ये चेरी क्यों, अभी तुम जान दे, हम जा रहे भाई। गाइस देखो तेरा, गाइस देखो हमें जान नहीं दे रही, देखो देखो जान दे चार। चेरी घुस गई अंदर अपना सेफ हाउस में, नाराज होके हड्डी लेके आ जा चेरी। फिर हम निकल जाएंगे अपने ट्यूशन के लिए, और आज साक्षी का ट्यूशन, तो मेरा ट्यूशन नहीं है, मेरा ऑनलाइन है, और कुछ सामान भी लाना है, इसलिए हम मार्केट जा रहे हैं साक्षी के साथ ही। और वैसे भी इसके साथ आप तो कोई नहीं भी चलते मार्केट में, आप उसको दिखाते हैं, ठीक है, चलो बाय। तो मैं साक्षी के साथ ट्यूशन पे जा रही हूँ, और मुझे मार्केट में भी थोड़ा बहुत कुछ काम है, तो मुझे मार्केट में भी थोड़ा सा काम है। काम क्या है, मेरा फ़ोन ख़राब हो रखा है और जैक में प्रॉब्लम है दो दिन से, तो वीडियो वगैरह भी मैं दूसरे फ़ोन से अपलोड कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। उसको देखते हैं, उठा के लाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। काम तो हमारे ऐसे ही चलते रहते हैं सारा दिन, और चेरी जो है नाक में दम दे दिया कि सारे के सारे मुझे छोड़ के चले। फिर इसके दादा को बोल के आई हूँ कि चेरी को नीचे घुमा लो, पट्टा वगैरह दे के आई हूँ। और चाची क्या खा रही है भाई? टॉफी। हाँ टॉफी, टॉफी खाने वाली है जो बच्ची है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। नोटिस किया नहीं किया, बार मम्मी दोनों मैचिंग मैचिंग होंगे, ब्लैक ब्लैक है। ना बस पूछो मत, इसने इतना तो परेशान कर दिया कि अब इसको बेचने का टाइम आ चुका है, इसको इतना परेशान कर दिया कि हम सोच रहे इसको बेचने का। हम दूसरी दुकान गए, वहाँ ठीक ही नहीं हुआ, नया जैक वैक सब नया लगा के देख लिया, चार्जिंग पे ही नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स क्या बताऊँ, मैं घर आई हूँ और मेरा हो गया दिमाग खराब। क्यों हो गया वो बताएगा ये, मेरे कमरे का हेड डिपार्टमेंट ये कमरे में आराम से अपने लैपटॉप में बैठा हुआ पढ़ रहा है। हुआ क्या, चेरी ने ना क्या कर रही थी चेरी जतिन, चेरी घर में मतलब घर में नहीं कमरे में अकेली बंद थी, और उसने बेड पे चढ़ के चश्मा तोड़ दिया है पूरा, और वो बेड पे इसके साथ अपने, और गाइस ये हरकत, इतनी सारी परेशानी, एकदम सिर में दर्द, क्या बस दिमाग की ना दही हो जाती है। जैसी ताई आज तो आपका चेरी की करतूते दिखाता हूँ, आओ अंदर आओ, चेरी की करतूते बताता हूँ। पोटी मस्ती है ना, इतनी फुर्सत से लगी है ना इसके साथ, ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर लावा डाल दिया, हॉट लावा, मतलब कि बंद ही नहीं हो रहा। देखो अभी चश्मा बनवाया था, ये बंद भी नहीं हो रहा मेरा। बेचारे के अंदर पंजे ढीले कर दिए, हम पेड प्रमोशन नहीं कर रहे। मतलब कितनी फुर्सत से उतने उसने ये चबाया है, मैं ये सोच रही हूँ। निशान देखो मेरे को एक बार ये मिल जाए ना, बंद किसने किया है? कल वो क्रीम लगा रही थी, आज वो चश्मा पहन रही थी। हाँ कल दादा की क्रीम, दादा की नहीं, डाइनिंग टेबल से साक्षी की। खाना खाने का और टाइम हो चुका है नौ, और अभी खाना बन चुका है, खाना आ चुका है, मैं आपको खाना दिखाता हूँ आज खाने में क्या है। नोटबुक
तो मामा हैप्पी बर्थडे एक बार आखिरी में व्लॉग के, और बहुत सारे विशेष हमारी तरफ से, खुश रहो, और ये हमारी चेरी की तरफ से भी है। तो गाइस अच्छा, तो गाइस बाय बाय और मामा हैप्पी बर्थडे दीपू। गाइस अभी हो चुकी है रात, तो टाइम हो चुका है सोने का, और देखो चेरी को भी नींद आ रही है, तो हमें भी नींद आ रही है। बस अभी मम्मी है किचन में काम वाम करके आएगी, तो ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और थोड़े बहुत देर पड़े थे उस खाना वाना खाने के बाद। और गाइस जल्दी से मिलते हैं कैसे अच्छे से बढ़िया से ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो हमारे चैनल को प्लीज। अगर कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है, आपको हंसी आई या आपकी स्माइल आई, आपको कोई पार्ट अच्छा लगा, तो लाइक कर देना, और शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, कर देना प्लीज कर देना, ठीक है। बाय बाय, चेरी गुड नाइट करेगी, बाय बाय।